हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसन। आज हम दोस्तों बहुत ही लखनऊ की बेहतरीन लोकेशन पे आपके लिए प्लॉटिंग की साइट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आपके बजट में बैठने वाली लोकेशन की बात करें। दोस्तों, हम लोग इस टाइम खड़े हैं किसान पथ पे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किसान पथ प्लॉटिंग की साइट हम जो दिखाने आए हैं। दोस्तों, ये है बिल्कुल प्लॉटिंग की साइट किसान पथ से लगी हुई। इस तरफ का एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ इंदिरा डैम आपको मिल जाएगा दोस्तों, और इसके उस तरफ जो है लौलई है दोस्तों, गोमती नगर इस सेक्शन। यहाँ से दोस्तों इस साइड से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे फैजाबाद रोड। दोस्तों, फैजाबाद की रोड की दूरी दोस्तों इस जगह से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। और इस साइड के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने साथ जोड़ते हैं अमित सर को। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, थोड़ा सा इस साइड में आ जाइए। तो हम सर यहाँ पे जो है जानना चाहते हैं कि सबसे पहले एग्जैक्ट लोकेशन की हम लोग जो है इस टाइम कहाँ पे खड़े हुए हैं, और अगर बगल की जो है थोड़ा डिस्टेंस बताओ। इस समय हम खड़े हुए हैं किसान पथ पे। इधर आप देखेंगे ये लौलई है, गोमती नगर एक्सटेंशन लगता है। और पीछे साइड में अगर देखेंगे तो सुल्तानपुर वो आपको मिल जाएगा, फैजाबाद रोड पड़ेगी। और इधर से आप पढ़ेंगे तो जो है सुल्तानपुर रोड। सुल्तानपुर रोड, यहाँ से सुल्तानपुर रोड की डिस्टेंस कितना होगा? सुल्तानपुर रोड की दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और फैजाबाद रोड पड़ेगा आपका 4.5 किलोमीटर। और ये साइड है, एक बार जो है साइड की तरफ कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये साइड है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाईवे से किसान पथ से दोस्तों लगी हुई है प्लॉटिंग की साइट है। और ब्लॉक वाइज दोस्तों इसमें आपको प्लॉट मिलेंगे और उसके रेट भी अलग है, जैसे कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग आए हैं मल्हौर रोड से, तो मल्हौर रोड पे दोस्तों सबसे फेमस लैंडमार्क है अमेठी यूनिवर्सिटी। तो अमित भाई, अमेठी यूनिवर्सिटी से हम यहाँ का डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा? यहाँ से अमेठी यूनिवर्सिटी 4 किलोमीटर पड़ेगा, मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे। और मल्हौर रेलवे स्टेशन मान के चले 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ के बारे में इतनी जानकारी मिल चुकी है। बाकी आप जानते हो कि गोमती नगर अगर एक्सटेंशन के आसपास में 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों अगर आप प्लॉट या मकान ले रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत सारी सुविधाएं, एक से एक बड़े हॉस्पिटल जैसे कि हो गया सारा हॉस्पिटल, काफी बड़े बड़े अच्छे स्कूल मिलने वाले हैं। और एक चीज हम और यहाँ से बात करते हैं सर से, सर अगर हम आपसे ये चीज पूछे कि यहाँ से जो है चिन्हट तिराहे की दूरी, थोड़ा सा दूर ज्यादा होगा लेकिन चिन्हट तिराहे की दूरी, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी ज्यादा है, जैसे कि चंदन हॉस्पिटल हो गया, मेन फैजाबाद रोड है, वहाँ के डिस्टेंस कितना होगा? चिन्हट तिराहे से यहाँ से की दूरी 7 किलोमीटर पड़ेगी। 7 किलोमीटर की दूरी, जी, 7 किलोमीटर की दूरी आपको चिन्हट मिल जाएगा। और अगर हम लोग जिधर से आए इधर ही से जाते हैं तो हमको लग रहा है मुश्किल से मान के चलिए 10 या 15 मिनट में हम लोग जो है चिन्हट तिराहे पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रोड दोस्तों प्रॉपर बेहतरीन रोड बनी है, ज्यादा कोई यहाँ इस रोड पे जो है ट्रैफिक भी नहीं रहता है। 10-15 मिनट में दोस्तों अपनी गाड़ी से चिन्हट तिराहे पे पहुंच सकते हैं। ये मान के चलिए अगर आप 10-15 मिनट में चिन्हट तिराहे पे पहुंच गए दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों आपको किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना है, वहां पे सारी चीजें ऑलरेडी डेवलप है, सारी चीजें जो है सारी फैसिलिटी सुविधाएं मिल रही है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज हम और आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कि एक दो बड़े स्कूल के बारे में बताइए, जैसे कि यहाँ के आसपास में CMS जो गोमती नगर वाला है उसका डिस्टेंस कितना होगा? CMS आप देखेंगे यहाँ से CMS गोमती नगर की दूरी यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगी। 8 किलोमीटर की, अगर आप फैजाबाद रोड पे देखेंगे हाँ। तो 6 किलोमीटर पे फैजाबाद CMS भी मिल जाएगा, बीबीडी के आगे वाला तिवारीगंज। अच्छा, अच्छा जी। और बड़े कॉलेज में देखो अमेठी आपको मिल जाएगा हाँ। गोयल इंस्टीट्यूट आपको बगल में ही मिल जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर। 5 किलोमीटर की, जी जी। माँ भगवती कॉलेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की दूरी, 2.5 किलोमीटर की, जी ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है साइड पे आ चुके हैं, और बैक साइड में आप देख सकते हैं किसान पथ। एक बार किसान पथ जो है आप पूरा कैमरा घुमा के दिखाइए, बिल्कुल पीछे दोस्तों किसान पथ है। किसान पथ से दोस्तों बिल्कुल लगी हुई ये प्लॉटिंग की साइड है दोस्तों, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी कम रेट में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है कमर्शियल स्पेस भी आपको मिल रहा है, और काफ़ी चौड़ी चौड़ी जो है यहाँ पे आपको रोडें मिली जा रही है। तो अमित भाई, यहाँ पे जो है आप फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हैं? जैसे कि रोड आपने बताया डबल डिवाइडर 50 फीट की रोड यहाँ पे दे रहे हैं। जी जी, 50 फीट की हमारी रोड इंटीरियर 50 फीट की है, और जो है इसमें हम सीवर, रोड, नाली, लाइट सब कंप्लीट करके, सारी चीजें कंप्लीट कंप्लीट करके दे रहे हैं। और अंदर वाली रोड जो है वो 30 फीट, हाँ इंटरनल रोड 30 फीट की, और इन जो जो मेन इंट्री रोड है वो 50 फीट की है, और 40 फीट की रोड, 40 फीट की। इसमें पार्क भी दे रहे हैं, 10,000 स्क्वायर फीट के पार्क भी है इसमें। अच्छा, जी जी ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे कितने बीघे में ये साइट जो है आप डेवलप कर रहे हैं? हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 300 बीघे का है। 300 बीघे का, हाँ। इसमें फेस वाइज हम लोग रखा है, डेवलप कर रहे हैं, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस और थर्ड फेस। जी जी। तो पार्क की हम बात करें तो तीनों फेसों में आप देख, हाँ, तीनों फेसों में पार्क का साइज भी जो है सब जगह सेम है। बिल्कुल, सब समय सेम है। ठीक है, अगर हम बात कर लें जमीन की, जमीन मतलब क्या 143 की दाखिल खारिज,
टोटल हमारी जो लैंड है दाखिल खारिज लैंड, दाखिल खारिज और रजिस्ट्री लखनऊ केसरबाग में सजर रजिस्ट्री केसरबाग में जी, केसरबाग की रजिस्ट्री है इसकी। तो दोस्तों ये जान के चलिए कि ये चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल आप लखनऊ में कहीं भी मकान लीजिए या कोई प्लॉट लीजिए दोस्तों, तो आप अगर थोड़ी दूर चले जाते हैं उस तरफ, आप सीतापुर रोड की तरफ चले जाएंगे तो दोस्तों तो बीकेटी से रजिस्ट्री हो जाती है, वो आपका लखनऊ खत्म हो जाता है। इधर चले जाएंगे दोस्तों थोड़ा सा आगे किसान पता पात करेंगे, पार करेंगे फैजाबाद रोड पे दोस्तों, तो वो आपकी सफेदाबाद से वहाँ सफेदाबाद लग जाता है दोस्तों, आपकी रजिस्ट्री होती है बाराबंकी में। ये जो साइड है दोस्तों ये आपकी लखनऊ के अंदर आ रही है। सबसे अच्छी पहचान ये है जानने की, अगर आपकी रजिस्ट्री दोस्तों लखनऊ में कहीं भी प्लॉट मकान ले रहे हैं और अगर कैसरबाग में हो रही है दोस्तों, तो वो प्लॉट या मकान आपका जो है प्रॉपर लखनऊ के बीचों बीच आ रहा है। अब हम अमित भाई से बात करते हैं कि भाई अगर हम बात करें यहाँ पे लोन प्रोसेस का, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है तो बिना लोन के आदमी को प्लॉट और मकान लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे लोन हो पाएगा कि नहीं? जी हाँ, यहाँ पे जो है आईसीआई बैंक से लोन लोगों ने करवा रखा है, करवा रखा है जी जी, मतलब करवा के प्लॉट जो है यहाँ पे खरीद परचेज की, हाँ लोन करवा के प्लॉट परचेज किया है। लोन की जैसे हम बात करें तो कितने परसेंट हो सकता है, पी प्लस सी होगा कि सिर्फ परचेज के लिए भी लोन यहाँ पे मिल रहा है? नहीं, परचेज के लिए भी मिल रहा है, 75% तो यहाँ पे लोगों ने लोन करवा रखा है, 75% लोन लोगों ने करवा रखा है जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जो है जूम करके आप कैमरा दिखा दीजिए कि यहाँ पे काफी दूर तक जो है यहाँ पे साइट है और काफी बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं। इस तरफ की अगर हम बात करें जो यहाँ पे काफी बड़ी आपको बाउंड्री दिख रही है, तो ये कमर्शियल स्पेस है आपने जी जी, हाँ ये छोटा कमर्शियल है, ये कंपनी ने कमर्शियल स्पेस हाँ, हमारा फ्रंट जो है 1500 स्क्वायर फीट का है, 1500 फीट का यहाँ से लेकर वहाँ तक 1500 स्क्वायर फीट का। और एक चीज आप और बता रहे थे, इस तरफ से आगे दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा सा कैमरे को जो है इस तरफ घुमा लिए कि यहाँ तक आप जो रोड बनी हुई देख रहे हैं, यहाँ जो है यहाँ से साइड की स्टार्टिंग है, उस साइड में जो रोड कच्ची है वो भाई बता रहे हैं कि वो किसान पर सर्विस लेन बना रखी सरकार जो है वहाँ पे, किसान पर सर्विस लेन बनाएगी जी जी, है ना भाई जी जी, ये सर्विस लेन बनेगी। तो एक हिसाब से हम मान के चले कि 120 फीट छोड़ के 120 फीट जी जी, मतलब बिल्कुल किसान पथ से लगी हुई जो है साइट है, तभी इसीलिए आपने जो है यहाँ पे कमर्शियल स्पेस भी रख रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बेंचे भी यहाँ पे पड़ी हुई है, बन चुकी हैं और सीवर वगैरह जो है यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों। साइड पे भी रह कोई नहीं रहा है, मकान कोई नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे काम डेवलपमेंट जो है सारा हो चुका है। जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं दोस्तों ये भी रोड बन चुकी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे खंभे लगे हैं, 30 फीट के अंदर रोड मिल रही है और उस पर जो है यहाँ पे सीवर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेनेज, जैसे कि भाई ने बताया नाली वाला सिस्टम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक नाली भी बनी हुई है। बाकी साइड साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पे नाली बनी हुई है, अगर आप मकान बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अमित भाई हम बात करें यहाँ पे प्लॉट के साइज की, तो साइज क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे गहरान जो भी लेना चाहे उसको 50 की डेप्थ में प्लॉट मिल जाएगा, 50 की डेप्थ रहेगी, फ्रंट जितना लेना हो 30 जितना लेना हो ले लेते हैं जी जी। ठीक है, रेट की बात दोस्तों हम लोग करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि साइड जो है अभी थोड़ी सी आगे तक और है, तो थोड़ा सा आगे चल के आपको और दिखाते हैं साइड और उसके बाद आपको बताएंगे प्लॉट का रेट। तो दोस्तों इतनी देर से जो हम आपको पूरी साइट विजिट करा रहे हैं ये सिर्फ फेस वन है दोस्तों, क्योंकि साइट जो है बड़ी है, जहाँ से हमने वीडियो स्टार्टिंग करी थी दोस्तों, जहाँ जहाँ वीडियो अभी तक बनाई है वो सारा आप फेस वन देख रहे हैं। और यहाँ पे आगे दोस्तों जो है फेस वन आपका जो है खत्म हो रहा है, इसके आगे जो है फेस टू है। बाकी सीवर वगैरह की बात करें, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों काफ़ी जो है यहाँ पे 10,000-15,000 स्क्वायर फीट के काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट जो है यहाँ पे सेल आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी मकान नहीं बने, कोई रह नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सीवर वगैरह का यहाँ पे काम ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ये नहीं कि सीवर पड़ेंगे, रोड बनेगी, नाली बनेगी, खंभे लगेंगे, सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट है। बाकी खंभे जो है यहाँ पे लग चुके हैं, खंभे दिखा दीजिए, खंभे लग चुके, एक बार पूरा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि अगल बगल में बाउंड्रियाँ हैं और काफ़ी सारे प्लॉट जो है यहाँ पे सेल आउट हो चुके हैं। तो रोड की बात करें भाई, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी डबल डिवाइडर जो 50 फीट आई थी, उसके बाद 40 और 30 फीट की रोड आपने बताई थी जी जी, मतलब 50, 40 और 30 फीट की रोड हमारी, देखिए अगर पूरी सारी रोड जो है 30 फीट की है, ये 30 फीट की है जी जी। अच्छा बीच में रोड है, साइड में जो है ये ग्रीनरी वाला, यहाँ पे पेड़ लगेंगे जी जी, पेड़ पौधे लग जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कि आप मकान प्लॉट अगर लें और अगर आपको तुरंत मकान बना के रहना हो तो आप बना के रह भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर पे देख लीजिए यहाँ से जो है 100-150 मीटर की दूरी पे काफ़ी जो है यहाँ पे मकान बने हुए हैं, आबादी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फैजाबाद रोड से दोस्तों 4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस टाइम हम लोग हैं, और पूरा किसान पथ दोस्तों 4.5 किलोमीटर का मतलब है कि अगर आप किसान पथ से जाते हैं तो मान के चलिए 10 मिनट के अंदर जो है आप 4.5 किलोमीटर दोस्तों बहुत ईजिली यहाँ पर तय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एरिया है, काफ़ी अच्छा जो है डेवलपमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं रेट की, तो अमित भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट की। सबसे पहले आप ब्लॉक साइज जो है रेट बताइए जी। हमारा इस जहाँ पे हम खड़े हैं ये पूरा जो हमारा फर्स्ट फेस है, ठीक है, और यहाँ पे 1750 का रेट है, 1750 का। इसमें मतलब प्लॉट अभी अवेलेबल है, अभी हाँ मतलब अभी कोई अगर चाहता है यहाँ पे तो मिल जाएगा, ठीक है जी जी।
और सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में भी हम जो पीछे की तरफ चलेंगे तो हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, वो आपको दिखा देंगे। उसका रेट जो है 1550 का रखा है, उसके पीछे जो है लास्ट में है थर्ड फेज है उसमें का रेट हमारा 799 का है। 799 मतलब थर्ड फेज में 799, उसमें भी रजिस्ट्री जो है केसरबाग की, केसरबागी में होगी, मतलब लखनऊ सदर में रजिस्ट्री है इसकी। अच्छा जी, ठीक है, मतलब लखनऊ में जो है ये पूरी आपकी प्लानिंग जो है पूरी लखनऊ में आ रही। बाकी लोन वगैरह भी जो है भाई ने बताया है कि यहाँ पे लोन हो रहे हैं और प्लॉट पे लोगों ने लोन लिया भी है, लोन लेके जो है यहाँ पे रजिस्ट्री आई भी हुई है। और डेवलपमेंट वाली साइड है तो उससे तुरंत मकान बना के भी रह सकते हैं। बाकी डेवलपमेंट सारा है, रोड नाली सीवर सारी चीजें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों साइट से जुड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आपको लगता है किसी भी तरह की जानकारी जो है हम आपको देना भूल गए दोस्तों, तो उसके नीचे जो है आपको नंबर दिया गया है, दिए नंबर पे जल्दी जल्दी कॉल करिए, यहाँ पे आके दोस्तों साइट विजिट करिए, क्योंकि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मान के चलिए यहाँ पे आपको ए ब्लॉक में भी प्लॉट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।